जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव। एंड जो आपका भी चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर आप हो नए इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर होती है ढेर सारी इंस्पिरेशनल गाइडेंस भरी बातें जो आप लोगों के जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, क्या हालचाल है? माता भी करके लिखेगा और नीचे लिखेगा, आप बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। आज दोस्तों मैं लेकर आई हूँ और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। इंस्पिरेशनल वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा जाएगी दोस्तों, और बहुत ज़्यादा काम में आएगी आपके, अगर आप देखोगे इस वीडियो को पूरी एंड तक। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की जो कहानी है वह एक तोते के बारे में है। तोते का नाम था मिंटू मियां। तो दोस्तों यह तोता हमेशा बहुत ही एक्चुअली खुश रहता था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उसके दिमाग में पता नहीं उठपटान सवाल से खड़े होने लगे और हमेशा वह उदास रहने लगा। तो एक दिन यह मिंटू मियां बहुत ही उदास था और उसकी माँ ने उसे देखा और माँ उसके पास आकर बैठी और बोली, मिंटू बेटा क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? तो मिंटू रोते रोते माँ से अपने कहता है, देखो ना माँ, मेरी चोंच जो है बहुत ही अटपटी सी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, मुझे बहुत ही बोर लगता है इस चोंच के लिए और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है चोंच। देखे ना मेरे बाकी के दोस्त जो हैं, कौवा, बाज, कोयल, उनकी चोंच कितनी सुंदर है माँ, मेरी चोंच ऐसी क्यों नहीं है, मुझे बहुत ही अजीब लगता है इस चोंच की वजह से। तो माँ मिंटू मियां से बोलती है, देख मेरे बच्चे ऐसा मत बोल, क्योंकि तेरी चोंच तो बहुत ही सुंदर है, जैसा तू सुंदर है वैसी तेरी चोंच भी बहुत ही सुंदर है। तो मिंटू मियां बोलते हैं, नहीं माँ प्लीज़ झूठ मत बोलो, मेरी चोंच बहुत ही अटपटी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे दोस्तों की चोंच देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो माँ को भी एक तरफ से लगने लगता है कि शायद बच्चा ठीक ही बोल रहा होगा, इसकी चोंच तो अटपटी सी है थोड़ी सी, तो शायद इसलिए उसे पसंद नहीं होगी। लेकिन इसे समझाए तो कैसे समझाए, अभी ये बहुत ही उदास है, रो रहा है। तो उसी जंगल में, जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना पेड़ था और उस पुराने पेड़ की एक शाखा पर एक बहुत ही ज्ञानी तोता बैठा करता था और उसे सभी बुलाते थे ज्ञानी बाबा। तो माँ ने सोचा इसे ज़रूर से ज्ञानी बाबा के पास भेजते हैं, ज्ञानी बाबा ही इसके सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेगा करके। तो माँ बोलती है, मिंटू मियां चलो बेटा उठो और ज्ञानी बाबा के पास जाओ अपनी समस्या को लेकर, और देखना ज्ञानी बाबा तुम्हारी समस्या यूं चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो फिर क्या होता है, मिंटू मियां निकल पड़ा ज्ञानी बाबा के पास। वहां पर पहुंचता है, ज्ञानी बाबा से बोलता है, ज्ञानी बाबा प्लीज आप मेरी समस्या का सोल्यूशन हल ढूंढ कर मुझे दे दो कैसे भी करके आज। तो ज्ञानी बाबा मिंटू मियां से पूछते हैं, अरे बच्चे मेरे बोल तुझे क्या समस्या है? तो मिंटू मियां बोलता है, ज्ञानी बाबा देखिए ना मुझे बहुत रोना आ रहा है मेरी चोंच को लेके, मेरी चोंच जो है बहुत ही अटपटी है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वैसे मेरे दोस्तों की चोंच जो है कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक लगती है, बाज है, कोयल है, देखो ना कौवा है, उनकी चोंच कितनी सुंदर है, मेरी क्यों नहीं है? तो ज्ञानी बाबा को समझ आया और ज्ञानी बाबा ने मिंटू मियां से एक सवाल पूछा, चलो बेटा क्या तुम अभी कीड़े मकोड़े खाना पसंद कर दोगे, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ। तो मिंटू मियां बोलने लगा, अरे ऐसे कैसे बाबा, अचानक से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए किस टॉपिक पर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे अटपटी चोंच के बारे में और आप मुझे ऑफर कर रहे हो वो भी कीड़े मकोड़े, छी, मैं कीड़े मकोड़े तो नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता। तो ज्ञानी बाबा ने उनसे दूसरा सवाल पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, कीड़े मकोड़े ना ही सही, तो तुम एक काम कर दो, मैं मछलियाँ दे रहा हूँ तुम्हें, मछलियाँ खा लो ना। तो मिंटू मियां बोलने लगा, अरे बाप रे मछलियाँ भी तो मैं नहीं खाता हूँ, ना ही कीड़े मकोड़े खाता हूँ, ना ही मछलियाँ खाता हूँ, पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी यह चीज़ें पसंद नहीं है। तो ज्ञानी बाबा हंसते हुए बोलने लगे, कोई बात नहीं मिंटू मियां, आप एक काम कीजिए ना, खरगोश का मांस खाइए, खरगोश का मांस लेके आता हूँ। तो मिंटू मियां बोलने लगा बहुत ही चिड़चिड़ा होकर, गुस्सा होकर, क्या ज्ञानी बाबा कैसी चीज़ें पूछ रहे हो, खरगोश का मांस, और मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मैं ठहरा एक तोता, ऐसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, इन चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना हूँ। तो ज्ञानी बाबा हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिंटू बेटा से बोलते हैं, देखो मिंटू मियां,
यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी जो चोट है वह ईश्वर ने तुम्हें दी है। बहुत ही सुंदर लग रहे हो तुम पर, तुम बहुत ही जच रहे हो इस चोट के साथ। यह तुम्हारी खासियत है और तुम्हारे जो दोस्त है, मित्र है, बाज, कौवा, कोयल, उनके लिए वह चोच भगवान ने सिलेक्ट करके दी है। यानी कि वे बने हैं वह सारी चीजें खाने के लिए उस चोच के हेल्प से, उस चोच की मदद से। अगर तुम्हारे पास ऐसी चोच नहीं होती जिसे तुम अभी अटपटा कह रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारे फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट थोड़ी ना खाने को मिलते। इस बात पर गौर करना। दो मिंटू मियाँ की दिमाग की बत्ती जल गई और मिंटू मियाँ हंसते हंसते बोला, वाह 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 ज्ञानी बाबा जी, आपने तो ऐसे चुटकियों में मेरी समस्या का सोल्यूशन ढूंढ कर दे दिया। सच्ची कहा आपने बाबा, अगर यह चोट मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं अखरोट नहीं खा पाता और बाकी सारी चीज़ें जो आप मुझे ऑफर कर रहे थे उन चीज़ों के लिए तो मैं बना भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, यह थी प्यारी सी कहानी। अभी आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि सीख पर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में बहुत बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, शायद आप में भी ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ को और अपने जो अंदर गुण हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंपेयर करते रहते हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है दोस्तों। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण डाले गए हैं, उन्हें हमें पहचानना है, उन्हें हमें जानना है, अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है। इसी बात पर मैंने और एक वीडियो बनाया था दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, नॉट ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर से जाकर आई बटन में उसे देख लीजिएगा। आई बटन में नहीं मिलता है तो एंड स्क्रीन में जरूर से आपको मिलेगा, तो उसे भी जरूर देखना मत भूलिएगा। तो आते हैं मुद्दे की बात पर। तो इस कहानी की सीख से हमें यही पता चलता है कि हमें जो गुण है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने आप को बेटर और एक ज़्यादा अच्छा इंसान और बेटर इंसान बनाते रहना चाहिए, अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ना ही उन बाकी लोगों की क्वालिटीज़ पर कि उनके पास क्या है क्या नहीं। और हमें अपने को उनके साथ कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को बहुत ही स्पेशल बनाया है, हर किसी को बहुत ही यूनिक बनाया है, हर किसी में अच्छे गुण ईश्वर ने डाले हैं दोस्तों। अगर हम उन गुणों को निकाल कर आगे बढ़ेंगे लाइफ में ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाएंगे। देखना, इसे ट्राई करके देखना। और अगर आप में से कोई भी अब तक यह सोच रहा था, कंपेयर कर रहा था अपने आप को किसी और से, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप दोस्तों। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना। अपने आप को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत करना। तो यह थी सुंदर सी कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप लोग नोटिफाई रह सको जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप लोग उसे देख पाओ। और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द हम मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट वाली सुंदर सी वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना रखिएगा ध्यान, ख्याल, हमेशा हंसते खेलते रहिएगा, मुस्कुराते रहेगा, आनंदित रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय।